चुनावी वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान के साथ साथ संगठनात्मक चुनाव करवाने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय राज्य भवन में प्रदेश चुनाव प्रभारी दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव प्रभारी दीपा दास मुंशी ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को घर घर जाकर कांग्रेस के एक्चुअल सदस्य बनाने और डेटाबेस को डिजिटल करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां घर तक पहुंचना मुश्किल होगा, वहां पर कांग्रेस मेंबरशिप ऐप के माध्यम से डिजिटली सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। ऐप के माध्यम से सदस्यों का रिकॉर्ड बनाने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सदस्यता अभियान चलेगा और उसके बाद संगठनात्मक चुनाव करवाए जाएंगे। टारगेट अभी मेंबरशिप का है जो 31 मार्च तक है। हम लोग ऑलरेडी 1,90,000 हम फॉर्म दे चुके हैं, लेकिन हमारे इस बार एडिशनल जो काम है वो है ऑनलाइन, जो एक ऐप हम लोगों ने बनाया है जो डिजिटल है, और जो ऐप हम लोगों ने बनाया है कांग्रेस मेंबरशिप नाम देके एक ऐप, जिसमें से कोई भी उनका नाम, परिचय पत्र, जो वोटर आईडी है, उनका प्रोफेशन, उनका फ़ोन नंबर देके हमारे पार्टी में मेंबरशिप करा सकते हैं। तो ये एक नया तरीका डिजिटल मेंबरशिप इस बार चालू हो रहा है। तो जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाएंगे, वेदर खराब है, वहाँ हम डिजिटल ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए टारगेट तो बहुत है, लेकिन टारगेट तक कितना पहुँच सकते हैं वो मैं 31 मार्च से पहले आपको बता दूँगी कि हम कितना टारगेट कर पाए हैं और कितना टारगेट हम नहीं किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जितना 1,90,000 उसके दुगना तो हो ही जाएगा। थर्टी फर्स्ट मार्च और हमारा पार्टी का जो फाइनल चुनाव है वो अक्टूबर तक चुनाव समाप्त हो जाए। ये संगठन के चुनाव में AICC लेवल के बोल रही हूँ, जो अक्टूबर तक हमें फिनिश करना है। तो हो सकता है कि ये चुनाव के कारण थोड़ा लेट हो या चुनाव के बाद हो, लेकिन हमारा जो प्रक्रिया है वो जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ तो हमारे अक्टूबर तक पूरा समाप्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।